श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय सारा। नमस्ते दोस्तों, समत ऑडियो में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। मैं समर राय आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हो गया हूँ। आज का जो टॉपिक्स है ये बिल्कुल आप लोगों का प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये सेशन में जो हम देखेंगे आज कि मिक्सिंग कैसे किया जाता है। आज देखिए और एक नया पॉलिसी, इस पॉलिसी को आप देखते रहिए। और हमारा जो मेंबर्स है, हमारा चैनल मेंबर्स जो है और हमारा जो सब्सक्राइबर है, सब लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट मिल सकता है। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आपका ईमेल देना होगा, एक रिक्वेस्ट ईमेल देना होगा और उसी ईमेल पे आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। लेकिन करना क्या है, आपके पास अगर प्रो टूल्स है तो आप ये सेशन को लेके मिक्स कर सकते हैं। जो जो प्लगइन्स हमने यूज़ किया है, वेब स्टेट का प्लगइन्स यूज़ किया है हमने यहाँ पे और कुछ प्रो टूल्स का प्लगइन्स यूज़ किया है, खास तौर पे वेब्स का प्लगइन्स यूज़ किया है। आपके पास अगर ये सब प्लगइन्स है तो आप बिल्कुल हमारा सेशन में जो सेटिंग्स हैं आप देख सकते हैं, कौन सा चैनल पे हम लोगों ने कैसे कैसे प्लगइन्स यूज़ किया है और उसका सेटिंग कैसे रखा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेसिकली इसमें बहुत सारे साइड वोकल्स, मेन वोकल और रिदम ट्रैक्स हैं। आप एक बार सुन लीजिएगा ना, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो पहले गाना सुन लीजिए। Keep in your line of sight. Squeeze, 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 go.
इस गाने पे आपको लगभग बहुत सारे ट्रैक्स आपको मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज आपको दिखाया है। देखिए बहुत सारे ट्रैक्स तो यहाँ पे है, लेकिन रिदिम ट्रैक के लिए हमने अलग अलग कलर रखा है। रिदिम ट्रैक में जैसे कि यहाँ पे किक्स है वगैरह वगैरह जो कुछ भी है हमने यहाँ पे रखा है, और उसके लिए हमने एक VCA ट्रैक रखा है जो इस VCA ट्रैक का कलर दिया है, ऐसा एक पिंक कलर दिया है। ये सब ट्रैक्स इस VCA ट्रैक के ज़रिए कंट्रोल होता है। ये VCA ट्रैक को कैसे यूज़ करेंगे आपको मैं दिखाता हूँ। और ऊपर से एक चीज़ है, जैसे बहुत सारे ट्रैक जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 रिदिम ट्रैक्स हैं और सबके सब स्टूडियो ट्रैक, इसको हमने एक VCA ट्रैक के ज़रिए कंट्रोल कर रहा हूँ। और बाकी देखिए यहाँ पे कुछ ट्रैक्स है जिसमें बास लाइन है वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, बास लाइन है, बॉडी है, पैडिंग है, तो ये सब कुछ अलग अलग रखा। बाकी जो किया है ये है आपका वोकल ट्रैक, जो मेन वोकल है। देखिए यहाँ पे एक मेन वोकल ट्रैक है, आपको मैं दिखाता हूँ मेन वोकल ट्रैक में जाके। ये था मेन वोकल ट्रैक, आप यहाँ के जाके देखिए। इसको मैंने कोलैप्स किया है और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे दिखेगा, लेकिन कोलैप्स इसीलिए किया कि बहुत सारे ट्रैक्स हैं, सब ट्रैक्स को एक साथ देखने के लिए हमको ऐसा एक कोलैप्स ऑप्शन चाहिए ताकि हम सबको एक साथ देख सकें और बैलेंस भी कर सकें। यहाँ पे वोकल ट्रैक को रखा है, बाकी जो ट्रैक है ये सब अलग अलग ट्रैक इंस्ट्रूमेंट ट्रैक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बाकी जो ट्रैक है मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी जो ट्रैक है ये सब ट्रैक वोकल ट्रैक है, साइड वोकल, ये सब साइड वोकल है, यहाँ से लेके अब तो यहाँ तक एक साइड वोकल है। इन साइड वोकलों को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ एक VCA ट्रैक देके, इसका नाम है VCA 1। जैसे देखिए जो रिदिम ग्रुप का था VCA का, यहाँ पे रिदिम VCA लिखा है। और बाकी जो वोकल ट्रैक है, वोकल ट्रैक मेन वोकल को छोड़ के बाकी जो वोकल साइड वोकल्स है उसको लेके मैंने VCA 1 किया है। दूसरा और एक ट्रैक्स है जिसमें आपको दूसरा साइड वोकल्स ही मिलेगा, ये ग्रुप है एक साइड वोकल का, दूसरा ग्रुप भी साइड वोकल का है, उसको भी हम अलग से एक VCA ग्रुप बनाया और इसका नाम दिया है VCA 2। इसका मतलब क्या हुआ, VCA 1 एंड VCA 2 इन दोनों जो VCA ट्रैक है ये साइड वोकल के लिए है, बाकी मेन वोकल है यहाँ पे जिसको मैंने सोलो करके रखा है। यहाँ पे जो सिंथ ट्रैक्स जो है इसको मैंने अलग अलग रखा है, इसको मैं ग्रुप नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही कम है और इंडिविजुअल अलग अलग से बज रहा है ये। लेकिन जो रिदिम ट्रैक है, रिदिम ट्रैक को मैंने ग्रुप कर दिया। इसको मैं अगर नीचा भी करूँ, देखिए एक ट्रैक को पकड़ते हुए मैं अगर नीचा करूँ, नीचा हो सकता है मतलब कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये ऐसा कुछ रखेंगे हम। इसको अगर सोलो करेंगे, VCA करके सोलो करेंगे तो सिर्फ यही रिदिम ग्रुप आपको सोलो सुनाई देगा। सुनिए, ठीक है, तो ये आपको सोलो सुनाई देगा। अभी ये सोलो को उठा देता हूँ, अभी ये सोलो को उठा दिया। उठा देने के बाद मेरे पास क्या रह गया, VCA 1 मतलब जो साइड वोकल्स का जो है इसका एक हिस्सा, ये भी आप सुनते रहिए। इसको सोलो किया मैंने, आपको इस जगह पे आप जाके देखना पड़ेगा साइड वोकल कहाँ से है, ये यहाँ से साइड वोकल्स है। सुनिए, आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये जो सोलो वोकल्स जब मैंने किया है VCA ट्रैक को, तो इसमें जितने सारे वोकल्स ट्रैक है सबका, लेकिन मैं पहले से ही कुछ EQ एंड कंप्रेसर, जो कंप्रेसर EQ हमने दिया है और इसमें कुछ इफेक्ट्स भी हम लोगों ने दिया है सेंट के ज़रिए, ये सब लेकिन पहले से दिया हुआ है और पैन भी उसी तरह से हम लोगों ने किया है ताकि वोकल को थोड़ा सा वाइड लगे सुनने में, थोड़ा सा वोकल वाइड हो जाए, क्योंकि साइड वोकल्स जो है ऐसे ही तो वार्ड में आपका साइड ये वार्ड तो है ही, तो साइड वोकल हमेशा साइड में रहना चाहिए,
तो इसीलिए हम लोगों ने साइड वोकल्स को उसी तरह से बैलेंस किया है, पैन फोर्ट के जरिए बैलेंस किया है, साइड वोकल वन साइड वोकल टू, मतलब VCA वन और VCA टू के जरिए हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, सेम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। सुनिए देखिए, तो हमको लगता है कि ये वाला जो वोकल ट्रैक्स, जो साइड वोकल ट्रैक्स हैं, थोड़ा सा कम है राइट से, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 1 dB या 2 dB बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने से क्या होगा, बाकी जो ट्रैक्स है उसके साथ रिलेटेड जो ट्रैक्स है वो ट्रैक्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अभी दोनों को एक साथ सुनते हैं और देखिए। Keep me in your line of sight. Squeeze me, go on, hold me tight. यहाँ पे एक चीज आप गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पे VCA ट्रैक का जो आउटपुट लेवल है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या सेट किया, डिजिटल व्यू। गौर कीजिएगा, आपका ये जो व्यू जो है ये हमेशा डिजिटल व्यू में रखेंगे, हम अभी इस वक्त डिजिटल व्यू में रखेंगे, और रखते हुए हम दोनों इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। जैसे कि इसका है -18.1 और यहाँ पे देखिए -22.4, तो ज़्यादा कौन सा है, ऑब्वियसली ज़्यादा ये है, तो ज़्यादा सा वॉल्यूम इसका अगर है तो हम इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और एक चीज़ नोट कीजिएगा, आप ये जो पिक लेवल, इसको आप रीसेट नहीं कर सकते, जो हाईएस्ट वो दिखाएगा वही रह जाएगा, जितना भी आप चाहे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन मास्टर पे होता है, जैसे कि मास्टर हमारा ट्रैक, यहाँ पर देखिए मास्टर ट्रैक में -0.1 dB यहाँ पर रखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे फिर भी ये रिलीज हो गया, मतलब रीसेट हो गया। फिर से आप इसको प्ले करेंगे, देखिए -12.8, इसको आप क्लिक करेंगे तो रिसेट हो जाता है। VCA ट्रैक में आप उसका पिकअप लेवल, VCA ट्रैक में उसका पिकअप लेवल जो रहता है उसको आप रिसेट नहीं कर सकते, हाईएस्ट जो है वही दिखाएगा। तो अभी इन दोनों को बराबर करते हैं, देखिए -4.1 और इसका ए है -7, ये लेकिन इसका पीक लेवल नहीं है, ये है फेडल लेवल। तो -7 में रखते हुए अगर इसका लेवल देखिए आप, एक तो जा रहा है और थोड़ा सा कम करें, इन दोनों को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए हम सुनेंगे उसको ऐसे। तो -18.1 और इसका -22.4, ठीक है, चलिए। Keep me in your line of sight. Squeeze me, go on, hold me tight. Closer till you're kissable. Got you in my heart's peripheral. तो अभी ये सब सुनते हुए हमको लग रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस में है ये। अभी हम इसका जो मेन वोकल ट्रैक जो है, मेन वोकल ट्रैक, इसको हम ऑन कर देंगे। Keep me in your line of sight. Squeeze me, go on, hold me tight. Closer till you're kissable. Got you in my heart's peripheral. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो वोकल्स है, ये वोकल VCA ट्रैक को लेंगे और बाकी जो ट्रैक्स यहाँ पे है, इस ट्रैक को आप चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं। अगर हाइड कर देंगे तो ये ट्रैक आपका यहाँ से हट जाएगा, मिक्सर से हट जाएगा, लेकिन वो इंटरनली पीछे से काम करेगा जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन उसको कॉपरेट करने के लिए, आपका VCA ट्रैक रह जाएगा यहाँ पर, आप VCA ट्रैक के जरिए उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जब बहुत सारे ट्रैक्स मिक्सिंग के लिए आ जाता है तब हम लोग ऐसे ही काम करते हैं कि VCA ट्रैक के जरिए हम सब बाकी जो जितने सारे ग्रुप ट्रैक है उसको ऑपरेट करते हैं और जो ट्रैक्स एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है उसको हाइड करते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा फाइल बन जाएगा। देखिए आप, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, तो हाइड हो गया, तो अभी VCA ट्रैक रहेगा यहाँ पे, ये जो ट्रैक्स है यहाँ पे, ये ग्रुप को भी मैं हाइड कर रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, हाइड कर दिया तो और भी छोटा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वाला जो वॉक्स था, साइड वोकल्स टू था, या साइड वोकल्स का जो ग्रुप था, ये ग्रुप गायब हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो सब बजेगा, पीछे से ही बजेगा, लेकिन उसको कंट्रोल कर पाएंगे हम VCA ट्रैक के जरिए से। मेरा कहने का मतलब है, VCA ट्रैक जब हम लोग यूज़ करते हैं,
हमारे आपके सामने बहुत सारे ट्रैक्स रहेगा तो हम लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो कन्फ्यूज अगर ना हो इसीलिए VCA ट्रैक के जरिए हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी सब ट्रैक जो है जैसे कि रिदम ट्रैक का भी हम जो यहाँ से लेके आता है रिदम जो ग्रुप बनाया था हमने, रिदम ग्रुप को हम हाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना रह गया सिर्फ ये देखिए रिदम ग्रुप, बाकी जो सिंथेसाइजर ग्रुप था ये रहा आपका रिदम ग्रुप और बाकी इंडिविजुअल जो सिंथ सेक्शन था ये प्लस आपका मेन वोकल क्योंकि उसको हम लोगों ने ग्रुप नहीं किया था और बाकी जो इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट जो है। तो देखिए अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतना कॉम्पैक्ट जगह में आ गया, बैलेंस करने के लिए बहुत सुविधा आपको मिलेगी। चलिए सुनते हैं एक बार। तो आप देखा कि ये ऐसे आप बहुत बड़ा ट्रैक्स को लेके बहुत सारे ट्रैक्स को लेके भी काम कर सकते हैं लेकिन उसको VCA ट्रैक के जरिए आप काम करेंगे तो आपके सामने बहुत छोटा रूप में आएगा। उसके साथ साथ आपका जो मिक्सिंग कंसोल है उसको कोलैप्स भी कर देंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, देखने में बहुत कॉम्पैक्ट आएगा। जिस ट्रैक को हमने हाइड किया था अभी उनको मैं अनहाइड करता हूँ क्योंकि इसमें कौन सा इफेक्ट हमने लिया है, कौन सा प्लगइन्स हमने लिया है ये सब आपको दिखाता हूँ मैं, आप ज़रा गौर से देखिएगा। उसको देखने के बाद आपको अगर लगता है कि उस जगह में आपको कोई दूसरा प्लगइन्स देना है और उससे अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ ऑक्टोबैट के लिए या ड्राम्स का किक के लिए एक ही प्लगइन्स चाहिए और कोई दूसरा प्लगइन्स आप दे नहीं सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि हर एक इंजीनियर का पसंदीदा कुछ इक्यूज होता है, कुछ कंप्रेसर होता है। हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स भी हैं जिसके ज़रिए आप काम कर सकते हैं लेकिन आपको समझना पड़ेगा कौन सा प्लगइन्स या कौन सा टूल्स आपके लिए बेहतर है। जैसे कि वेब्स के ज़रिए बहुत सारे अभी प्लगइन्स हमारे सामने आ गया है, पुराने ज़माने में एक स्टूडियो में एक ही कंप्रेसर एक इक्वलाइजर ऐसा रहा करता था लेकिन आज दुनिया ऐसा बदल गया है कि डिजिटल माहौल पर आप 10 या 20 इक्वलाइजर आपके पास है सॉफ्टवेयर के ज़रिए, 10-20 कंप्रेसर आपके पास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सब आपको यूज़ करना है, आपको जो अच्छा लगे जिस प्लगइन्स का क्वालिटी आपको अच्छा लगे उसी प्लगइन्स आप यूज़ कर सकते हैं और एक ही प्लगइन्स को पकड़ कर रखेंगे तो आपको भी उसको चलाना बहुत आसान होगा, बाद में धीरे धीरे दूसरा कोई प्लगइन्स को लेकर आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो इसमें जो प्लगइन्स हमने यूज़ किया है उसको हम दिखाएंगे और किस तरह से यूज़ किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन याद रखना 100% प्रोसेस करने के बाद जब आप बाउंस करेंगे तो वो बाउंस्ड फाइल हमारे पास आप भेज दीजिए, हम सुन के देखेंगे आपका मिक्सिंग कितना अच्छा हुआ। ये ऑप्शन रहता है सिर्फ हमारा जो चैनल मेंबर है और जो सब्सक्राइबर हमारा जो है उनके लिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मस्ट सब्सक्राइब कीजिए आप क्योंकि मैक्सिमम एपिसोड ही होगा आप लोगों के लिए ताकि आप लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर चाहे हमारे पास से प्रोजेक्ट लीजिए और उसको अपना अपना ढंग से अपना अपना स्टाइल से मिक्स करके उसका जो मास्टर फाइल है हमको भेजिए, हमको सुनना है आप कितना अच्छा मिक्सिंग कर रहे हैं घर बैठे। तो चलिए इसके बाद वाला हिस्सा देखते हैं। हम लोगों ने इसको मिनिमाइज़ किया था, कुछ ट्रैक्स को हमने हाइड किया था लेकिन आप लोगों को समझने के वास्ते हम इसको फिर से ओपन कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जाना पड़ेगा जितने सारे ट्रैक्स हैं, देखिए जितने सारे ट्रैक्स हाइड किया हुआ है सब के सब ट्रैक्स लेकिन यहाँ पे ऐश कलर का हो गया है ना, ऐश कलर का हो गया तो सब में आप
क्लिक करते रहिए तो ऑटोमेटिकली एक के बाद एक आते जाएंगे। मैं सबको अनहाइड कर रहा हूँ, तो इसमें देखिए सारे के सारे ट्रैक्स, जितने सारे ट्रैक्स थे सब ट्रैक्स यहाँ पे अभी आ गया है स्टार्ट टू एंड, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर प्लगइन्स सब के सब आ गए हैं यहाँ पे। अभी ये ट्रैक फोल्डर को हम कोलैप्स कर देते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारा जो किक साउंड है, क्योंकि एक गाने का मेन चीज़ होता है ड्रम्स का किक। ऑल्दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिदम यूज़ किया है, सिंथ सेक्शन भी इलेक्ट्रॉनिक यूज़ किया है, तो इसीलिए हम लोगों ने उसी हिसाब से उसको समझते हुए हम लोग इसको क्यों करेंगे, क्योंकि हमको पता है जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कुछ साउंड हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो साउंड बाय डिफ़ॉल्ट जो इंस्ट्रूमेंट से आ रहे हैं, मान लीजिए ऑक्टोबैट से आ रहे हैं या कीबोर्ड से आ रहा है या सिक्वेंसर से आ रहा है या सैम्पलर से आ रहा है, वो ऑन बोर्ड इक्यू होकर ही हमारे पास आता है। तो हम लोग उसको ज़्यादा इक्यू नहीं करते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कोई कीबोर्ड से साउंड आ रहा है आपके पास तो ऑलरेडी तो कीबोर्ड से तो ऑलरेडी इक्यू होके आ रहा है, कंप्रेसिंग होके आ रहा है, मतलब उसका टोन बना के आ रहा है। आप जब उसको टोन ले रहे हो उसको समझते हुए उसी हिसाब से आपको लेना है, क्योंकि उसका इनमिक्स लेवल क्या है, आपके पास उसका ठीक ठाक लेवल आ रहा है कि नहीं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कुछ ज़्यादातर इक्यू नहीं करते। आपको अगर लगता है कि उसमें इक्यू करना चाहिए तो कर सकते हैं आप। बाकी जो है एकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट में हम लोग काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एकोस्टिक से वोकल मिलेगा। ये वोकल ट्रैक्स इसमें है, ये वोकल ट्रैक्स में आपको जो काम करना है आपको करना ही पड़ेगा इसमें। और इसमें और भी एक चीज़ है, देखिएगा प्लगइन ऑटोमेशन है इसमें, कुछ प्लगइन ऑटोमेशन हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया। प्लगइन ऑटोमेशन को आपको करना भी है उसके इफेक्ट के हिसाब से। आपको अगर प्लगइन ऑटोमेशन आता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी आता होगा तो हमारे चैनल पे पहले से एक वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वो एक बार देख लीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ये कितना आसान है ऑटोमेशन करना। तो आता हूँ मैं मिक्स विंडो पे। तो मिक्स विंडो पे हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा प्लगइन्स लगाया है ये आप देखिए एक बार। ये प्लगइन्स जो है ये सब अभी इनएक्टिव मोड में है। आप प्लगइन्स को एक साथ ऑन कर सकते हैं, उसके लिए कमांड आपको दबाना पड़ेगा और कमांड दबाने के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा एक साथ। उसके लिए देखिए ऑटोमेटिक ये सब सब के सब बढ़ जा रहा है जितना भी था, तो वहाँ पे आपको सब के सब जो प्लगइन्स हैं ये रो पे सब प्लगइन्स एक्टिवेट हो गए हैं। इसको एक साथ एक्टिवेट करना या डीएक्टिवेट करना इसके लिए कमांड आपको मालूम है, कमांड था कंट्रोल विंडोज़ एंड ऑल्ट, कंट्रोल विंडोज़ एंड ऑल्ट, इन तीनों को एक बार एक साथ दबाते हुए कंट्रोल विंडोज़ एंड ऑल्ट, इन तीनों को एक साथ दबाते हुए आप क्लिक करेंगे तो एक्टिव होगा और एक बार क्लिक करेंगे तो इनएक्टिव होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं वोकल ट्रैक में। हम लोगों ने सबसे पहले गौर करेंगे वोकल ट्रैक में। तो वोकल ट्रैक में हमने क्या दिया है यहाँ पे देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से इतने दिनों में कंप्रेसिंग करना आता होगा, सीख गए होंगे आप। तो इसमें कंप्रेसिंग हमने किया है देखिए, Take an apple, please, from the front row. तो यहाँ पे देखिए जो वॉइस जो जब यहाँ पे आ रहा है 0 dB, क्योंकि ये जो गेन रिडक्शन में आपको रखना है, यहाँ पे देखिएगा इनपुट में जो आ रहा है इनपुट दे रहा है Take one big. एक आ रहा है आपका GR, मतलब गेन रिडक्शन कितना हो रहा है, और एक आ रहा है आउटपुट कितना जा रहा है Take one big bite of life to go. आपको लेकिन गौर करना पड़ेगा यहाँ पे GR पे मेनली कि गेन रिडक्शन कितना दे रहा है वो हमको। तो गेन रिडक्शन आप -2 dB रखेंगे, गेन रिडक्शन आप -2 dB रखेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए
Take one big bite of life to go. Take an apple, please, from the front row. जब आपको ए माइनस वन या माइनस टू डी गेन रिलेशन देगा, ये ठीक है। कुछ वर्ड्स में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा एसपीएल गया है उसमें, तो वो एसपीएल को कन्वर्ट करने के लिए, एसपीएल को नॉर्मल रखने के लिए, यानी कि वो एसपीएल को नॉर्मलाइज करने के लिए ये कंप्रेसर आपको बहुत अच्छा काम आएगा। इसीलिए हमने उसका ऐसा कुछ सेटिंग रखा है, ऐसा सेटिंग रखा है कि इसका गेन देखिए यहाँ पर रखा है हमने 4.59 dB, और इसका जो पीक रिडक्शन ये आपको रखा इतना है 4.47, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ हमने यूज़ किया है, और उसके साथ साथ हमने नीचे दूसरा कुछ यूज़ किया। ये बंद है, इसको भी चालू करता हूँ, सब का सब चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा बहुत फेमस सेप 73 जो इक्यू है, इस इक्यू को हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे ऐसा कुछ इक्यू सेटिंग है। तो ये देने के बाद आप इसका आउटपुट लेवल चेक कर लीजिए, क्योंकि इस पर इनपुट भी आता है, आपको दिखाएगा इनपुट लेवल और आउटपुट भी दिखाएगा। आउटपुट भी हम देख रहे हैं। देखने के बाद आपको सुनना है कि इफेक्ट कैसा आ रहा है। Take one big bite of life to go. Take an apple, please, from the front row. Soon enough. इसका जो हाई फ्रिक्वेंसी ऐसा लेवल में रखा है, मिड फ्रिक्वेंसी इसका क्यू रेंज ऐसे रखते हुए, इतना ही रखते हुए हम इसको मिड फ्रिक्वेंसी को गेन दिया है, और लो फ्रिक्वेंसी गेन थोड़ा सा घटाया है हमने, और हाई पास फिल्टर 100 हर्ट्ज के आसपास रखा है। आप एक बार गौर कर लीजिए इसको, तो आपको और भी अच्छे से दिखाई देगा। तो ऐसे रखते हुए हम इसको छोड़ दिया है। अभी देखिए दोनों को अगर हम नहीं रखेंगे तो आवाज़ कैसे आता है। Take one big bite of life to go. ज़्यादा बेस, एक बेस टोन आ रहा है नीचे से। ये बेस, वोकल बेस हमको नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसको सेटिंग ऐसा किया है। और ये जो देख रहे हैं ये वाला जो है, ये है एक प्लगइन ऑटोमेशन के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। ये ऑटोमेटिकली जिस जगह में हमने प्लगइन ऑटोमेशन किया है उस जगह में जाके ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके बाद ऑफ भी हो जाएगा। तो इसके लिए आप इसको ऑन भी नहीं कर सकते अभी। ये गया था मेन वोकल, मेन वोकल को हम सेंटर में रखते हैं, साथ में ये जो आपका साइड वोकल्स जो है इसको भी रखा है अलग से इसमें, लेकिन हमने सेम कंप्रेसर एंड इक्लोजर दिया है सेम, लेकिन इसका सेटिंग्स कुछ अलग है। देखिए इसका सेटिंग्स कुछ अलग था। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि और बाकी जो वोकल्स है इसके इफेक्ट भी हमने CLA से दिया है, कंप्रेसिंग CLA अलग है उसका। और लेकिन बाकी जो यहाँ पे जितने सारे आपको वोकल्स आपको मिलेगा यहाँ पे देखने को, देखिए सब का सब सेटिंग्स लेकिन एक रखा है हमने, क्योंकि एक ही आदमी ने, मतलब जो जिन्होंने गाना गाई है एक ही वॉइस में अलग अलग ट्रैक में ये सब रिकॉर्ड हुआ है, एक ही वॉइस में रिकॉर्ड हुआ है, इसीलिए उसका टोनल जो टिम्बर है, टोनल टिम्बर को चेंज ना करते हुए हम लोगों ने इसको सेम इक्यू एंड सेम कंप्रेसर रखा है। और बाकी जो है, क्योंकि साइड वोकल्स के लिए है ना, थोड़ा सा हस्की भी होना चाहिए, और बाकी जो है देखिए जैसे कि शेप्स का जैसा है, इसको सेम रखा है, इसको भी सेम रखा है। देखिए अभी तक वहाँ पे कुछ हम लोगों ने चेंज नहीं किया, लेकिन चेंज करेंगे तब भी जब हमको कुछ अलग टोन चाहिए। ये आप करेंगे, इन चारों को हमने ऑन किया, तो एक का जो सेटिंग है उसको मैंने चेक करेंगे पहले, देखते हैं कोरस सेक्शन कहाँ पे है। अच्छा यहाँ पे है कोरस सेक्शन, तो चलिए यहाँ पे हम लोग प्लेबैक करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो चल रहा है, इनको छोड़िए पहले, यहाँ पे जो चल रहा है इसका इसका पैनिंग हम लोगों ने रखा था लेफ्ट साइड में 61, मतलब -61, और इसका जो शेप्स 73 जो इक्वलाइजर हमने यूज़ किया यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है। इसको थोड़ा सा काम करते हैं, जैसे
इसका पहले इनपुट चेक कर लीजिए, देखिए इनपुट बहुत ज़्यादा है, है ना, इनपुट बहुत ज़्यादा इनपुट है, तो इनपुट को थोड़ा सा कम कीजिए आप। ताकि ये रेड लाइट ना जले, ठीक है, रेड लाइट नहीं जलना चाहिए यहाँ पे। तो इसके रखते हुए आउटपुट भी आप चेक कर लीजिए एक बार। आउटपुट ऑलमोस्ट ठीक है। तो अभी इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसका प्रीएम्प लेवल थोड़ा सा बढ़ाएं, और इसका क्योंकि साइड वोकल्स है इसमें हमको लो ज़्यादा नहीं चाहिए, तो लो को हम काट करेंगे 100 तक, 100 हर्ट्ज तक कट कर दिया, मतलब हाई पास फिल्टर लगा दिया। और यहाँ पे लो जो है इसका मिड रेंज 110 जो है इसको थोड़ा सा गेम, इसका जो लो लेवल है इसको थोड़ा सा कम करते हैं हम, -4.3 dB के आसपास हम जाएंगे इसमें। तो 4.3 dB जब हम लोग जाएंगे ऑटोमेटिकल इसका लो कट हो जाएगा। अभी देखते हैं लो कट होने के बाद क्या कैसे लगता है सुनने को। ठीक है, थोड़ा सा मिड रेंज को थोड़ा सा 1 dB या 2 dB मिड रेंज देते हैं, और साथ में हम हाइज देते हैं 2.6 या 2.8 इतने ठीक रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा हाई हो गया साउंड, मतलब शार्पनेस ज़्यादा हो गया। अभी इसमें अगर इसको बाईपास करते हैं, सुनिए पहले कैसा था। मतलब ओवर ड्यू जा रहा था, लाल लाइट जल रहा है, इसको मैं अभी ऑन कर रहा हूँ, अभी सुनिए कैसे लगता है। तो ये ठीक ठाक रहा, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया वॉइस। अभी इसमें ये जो था इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके इस चैनल में बिठा देंगे हम, जैसे कि ये था एक, ड्रैग करते हैं इसके ऊपर, इसको भी ड्रैग करते हो इसके ऊपर, इसको भी ड्रैग करते हो इसके ऊपर, ध्यान में रहे कि दूसरे ट्रैक के ऊपर ना आ जाएगी ये। ठीक है, आप एक बार देखिए, अब इसको लेके इधर, इसको भी ऑल्ट दबाते हुए कॉपी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक ग्रुप में था। अब सबका सब देखिए सेम सेटिंग्स, सबका सेम सेटिंग्स है ना। तो ऐसा टोन करने के बाद आपको सुनना है ये चैनल में जाके, क्योंकि ये VCA1 है, सुनिए एक बार। तो थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ गया इसमें, ऐसा क्रिस्पीनेस चाहिए आपको। क्रिस्पीनेस होने के नाते अगर जब तक ये क्रिस्पी नहीं होगा तो साउंड सुनने में उतना मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी होना चाहिए। लेकिन इतना भी क्रिस्पी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हाइज भर गया तो उसमें क्या होगा, कान में चुभेगा साउंड। अभी सबके साथ सुनते हैं। तो देखिए अभी दोनों जो है इसमें एक है इधर और दूसरा साइड वोकल ग्रुप यहाँ पे है, इसको भी हमने थोड़ा सा इक्यूज़ किया है, इसका भी थोड़ा सा देखिए सेम इक्यू है सब में, देख रहे हैं, थोड़ा सा इक्यूज़ चेंज किया है, क्योंकि इक्यू हम थोड़ा सा चेंज जब तक नहीं करेंगे तब तक टोनल क्वालिटी या टोनल टिम्बर थोड़ा चेंज नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिंगर जो थी उसका टोनल क्वालिटी जो है, टोनल टिम्बर कभी चेंज नहीं हो सकता, उन्होंने ही इतने सारे वोकल्स दिए हैं, तो आपको उसका टोनल क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए आपको बाकी ट्रैक्स में इक्यूज़ करना पड़ेगा। अभी जो दो वोकल साइड वोकल ट्रैक्स है इसको हम बैलेंस करते हैं पहले, देखिए कितने आ गए यहाँ पे, 9.8.9 dB ऐसा कुछ है। तो जब बैलेंस हो जाएगा उसके बाद आपको आना पड़ेगा दूसरा जो मेन वोकल जो ट्रैक है, मेन वोकल ट्रैक में आ जाइए और उसके साथ सुनिए जो लीड वोकल है, लीड वोकल यहाँ पे था, सुनिए एक बार।
Yeah, keep me in your line of sight. Squeeze me, go on, hold me tight. Close. तो मेन वोकल आपको ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा कम कर दीजिए इसको उसके हिसाब से, क्योंकि साइड वोकल के हिसाब से मेन वोकल अगर ज्यादा हो जाएगा तो मुश्किल है, क्योंकि बैलेंस उतना मजा नहीं आएगा। मेन वोकल इस जगह में रहेगा ताकि साइड वोकल उसको बैकअप दे, ऐसा नहीं कि साइड वोकल मेन वोकल से ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुनते हैं इसको, देखिए। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है। अभी ये जो रिदिम ट्रैक है और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट ट्रैक है इसको हम ऑन करते हैं। पहले रिदिम ट्रैक को ऑन करते हैं, मतलब रिदिम का जो VCA है, क्योंकि हर एक चैनल को मतलब खींचना या बढ़ाना ठीक नहीं है अभी, इसीलिए हम लोगों ने VCA ट्रैक को इसका अभी इस VCA ट्रैक को हम देखेंगे। चलिए तो अभी क्या लगता है कि रिदिम के साथ वोकल ज्यादा है क्या कम है, देखिए एक बार। अभी देखिए ये जो वोकल साइड वोकल चल रहा था, साइड वोकल लगभग 1 dB ऐसा कुछ नीचे जा रहा है ओवरऑल वोकल के साथ साथ, तो 1 dB नीचे जा रहा है। दोनों को हम 1 dB बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ाएंगे हम, -7 dB था इसको -6 dB करेंगे तो मेरे ख्याल से बैलेंस हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया ना, एक को हम 1 dB बढ़ाएंगे तो बाकी सारे के सारे ट्रैक ऑटोमेटिकली 1 dB बढ़ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ के पीछे देखिए VCA 2 मतलब साइड वोकल 2 जो था इसको भी कितने में था, ये था -8.9 में, तो इसको -7.9 में लाएंगे, 1 dB हम बढ़ाएंगे उसको -7.89, ठीक है -7.9 हो गया, 1 dB बढ़ गया। अभी सुनते हैं। एक चीज गौर कीजिए, जब मेन वोकल जा रहा है, मेन वोकल जब चल रहा है उसके साथ साथ साइड वोकल भी चल रहा है। VCA 1 मतलब जो साइड वोकल ग्रुप नंबर 1 था, ये ग्रुप नंबर 1 मेन वोकल के साथ जा रहा है, लेकिन जब मेन वोकल ऑफ हो रहा है तब साइड वोकल्स 2 ये जो ग्रुप था ये ग्रुप लेकिन उस टाइम जा रहा है। सो ऑब्वियसली जो लेवल है वो लेवल थोड़ा सा गिर जा रहा है, जब मेन वॉइस ऑफ हो रहा है तो साइड वोकल थोड़ा सा गिर रहा है। साइड वोकल नंबर 1 जो है उसको हम नहीं चलेंगे इस मामले में, लेकिन साइड वोकल 2 जो है उसको और 1 dB बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए -7.9 इसको -6.9 करते हैं, -6.9 करते हैं, अभी सुन के देखिए। ठीक है, अभी इसके साथ साथ हम आ जाएंगे कहाँ, यहाँ पे आ जाएंगे कि ये जो बैकिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो है, बैकिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसमें हम लोग आ जाते हैं अभी। तो चलिए इसको सब सोलो लगा देते हैं तो आपको पूरा के पूरा इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा सामने। यहाँ पे देखिए जो बास सिंथ, यहाँ पे एक बास सिंथ है, इसका मोनो, ये तो रिकॉर्डिंग हुआ था स्टूडियो में लेकिन इसको हम सेंटर में कर दिया, और इसमें हमने क्या लिया है बास सिंथ में हम लोगों ने ये वाला जो DBX जो मल्टी कंप्रेसर है, कंप्रेसर एंड लिमिटर जो है इसको लगा दिया यहाँ पे। सुनिए इसमें हमने DBX 160 लगा दिया है, तो जब अप टोन बनाएंगे
ऑब्वियसली इसको आप देखते हुए आपको टोन बनाना पड़ेगा। और इसके नीचे लगा दिया हमने शेफ 73, वो भी मोनो, शेफ 73 मोनो लगाया हमने यहाँ पे। और इसका इनपुट चेक कीजिए एक बार, देखिए इनपुट इतना, आउटपुट इतना, रेड लाइट लेकिन नहीं जल रहा है, तो रेड लाइट नहीं जलना चाहिए यहाँ पे। और इसका सेटिंग्स कुछ ऐसा रखा है, और इसका जो लो फ्रिक्वेंसी मतलब लो एंड हाई पास फिल्टर जो है, हाई पास फिल्टर को हमने 80 में रखा है। तो चलिए अभी देखते हैं इसका जो लेवल बाकी सबके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। इतना ठीक है। अभी बाकी जो है इसको भी हम देख लेते हैं, इसमें क्या है, एक सिंथ है, क्या सिंथ, ये भी स्टूडियो रिकॉर्ड हुआ था, इसका भी हमने इंसर्ट पे CLA-3A लगा दिया और इसका सेटिंग इस तरह से रखा, इसका गेन एंड इसका पिक डिटेक्शन जो है हमने रखा है यहाँ पे। शेप 73 नीचे रखा है मोनो वाला, लेकिन इसमें हमने ड्राइव चालू कर दिया, ये ड्राइव जब चालू करेंगे तो इसका टोन अलग हो जाता है। देखिए आप ड्राइव चलते हुए टोन सुन रहे हैं आप, अभी ड्राइव अप कर रहा हूँ मैं, तो ड्राइव अप करने के बाद जब ड्राइव मैं ऑफ कर देता हूँ तो ड्राइव ऑफ करने के बाद टोन चेंज हो जाता है। और इसका जो इनबिल्ट ड्राइव है थोड़ा सा डिस्टर्ब टोन आपको सुनने को मिलेगा यहाँ पे, तो वही हमको चाहिए, इसलिए हमने उसका ड्राइव ऑन कर दिया और टोन कुछ इस तरह से रखा। अभी इनका जो मैचिंग जो है, अभी इनका जो लेवल है, इन लेवल का हम सुनेंगे, ठीक है, इसके साथ। ठीक है, अभी सुनते हैं दोनों के साथ। अच्छा, इसके साथ साथ हमको आना पड़ेगा बाकी दूसरा जो सीन है उसके ऊपर, तो सीन में देखते हैं। चलिए सीन में क्या है, ऐसा कुछ CLA दिया है यहाँ पे, शेप 73 स्टूडियो लगा दिया यहाँ पे, तो शेप 73 स्टूडियो यहाँ पे लगा हुआ है और CLA-3 यहाँ पे लगा हुआ है। आप देखिए शेप 73 जो है इसमें हमने स्टीरियो वाइडिंग दिया, और स्टीरियो वाइडिंग देने के लिए हमने उसको पैन पॉट जो है एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट कर दिया है, और उसी हिसाब से ये प्रोसेस भी हो रहा है। और इसका एक बार लेवल चेक कर लीजिए आप, इनपुट एंड आउटपुट ऑल आर सेम ऑलमोस्ट, फिर भी हमने इसको इस तरह से टोन करने के बाद, इसको हमने इस तरह से टोन करने के बाद हम इसको बैलेंस करेंगे ओवरऑल सॉन्ग के साथ। चलिए कि नया कुछ मोर आ रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए हमने बैलेंस उतना ही रखा है, ज्यादा नहीं। इसमें आप मुश्किल से और 1 dB आधा dB बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी लगता है सुनने को अच्छा लग रहा होगा। अब इसके साथ साथ दूसरा जो है यहाँ पे सिंथ है, ये सिंथ को हम सुनेंगे, सुनिए। मतलब ये गाने में एक इफेक्ट दे रहा है, इसका जो कारण जो है यहाँ पे रहने का, ये कारण है कि गाने में एक इफेक्ट दे रहा है, तो इफेक्ट को भी सुना, मतलब जो इफेक्ट वो दे रहा है वो इफेक्ट सुना देना चाहिए,
लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर ट्विस्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो ट्विस्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे देखिए ये जो चल रहा है यहाँ पे, सुनिए, ये ट्विस्ट देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये जो सेंड है, सेंड के जरिए एक डिले इफेक्ट दिया था। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ डिले इफेक्ट। यहाँ पे मैं सब जब जो सेंड है सब सेंड चालू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम आ गया है सेंड चालू करने का। अब ये सेंड कहाँ पे है, बस नंबर 3 और 4। बस नंबर 3 और 4 में हमने क्या दिया, बस नंबर 3 और 4 में देखिए डिले लगा हुआ है यहाँ पे, हाँ इसका नाम डिले दिया है हमने। ये ऑक्सिलरी ट्रैक है, इसमें डिले लगा हुआ है, तो ये डिले के जरिए हम उसमें इफेक्ट दे रहे हैं। कैसे इफेक्ट दे रहे हैं देखिए, सुनिए, तो ये इफेक्ट चाहिए गाने में, थोड़ा सा इफेक्ट चाहिए। जब हम लोग गाना सुनेंगे तो वो इफेक्ट माइल्ड, मतलब वो इफेक्ट मार्ज होकर जब हमको सुनाएगा बहुत अच्छा लगेगा सुनने को, आप लोग भी देखेंगे। तो चलिए ये इफेक्ट हमने यहाँ पे लगा दिया, कितने अमाउंट ऑफ रिवर्ब यहाँ पे लगा दिया है हमने वो भी हमको दिखाना है। ये देख लीजिए आप, कितना अमाउंट ऑफ रिवर्ब हमने दिया है यहाँ पे, -11 dB तक पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ से सिग्नल, जो कि जाके आ रहा है आपका ये जो डिले का जो चैम्बर है इसमें, देखिए। और इसमें हम लोगों ने यूज़ किया है एज डिले, ठीक है, जिसका एज डिले वेब्स का ही है, ये एज डिले हमने यूज़ किया है और ये इफेक्ट कर रहा है। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं लिया, सिर्फ एक डिले, एक रिवर्ब और एक कंप्रेसर, ये तीनों को लेके हमने ये पूरा गाना को मिक्स किया। अभी हम करते हैं पूरा जो हमारा जो रिदम ट्रैक्स है और जो वोकल ट्रैक्स है सबको लेके एक बार सुन लेते हैं कि हम लोगों ने बैलेंस कहाँ तक ठीक ठाक किया, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिस सेशन है, ये प्रैक्टिस सेशन के लिए पूरा के पूरा जो ट्रैक्स जो है सब ट्रैक्स को लेके आपको लेकिन देखना पड़ेगा कि आपका पैरेलल बैलेंस जो है, आपने जो किया है टेंटेटिव बैलेंस जो किया है, ये बैलेंस कहाँ तक ठीक ठाक लग रहा है बाहर जाके सुनने के लिए। जैसे कि ये आप जब इसको मिक्स करके जब आप पोस्ट करेंगे, मतलब बाउंस करेंगे, बाउंस करने के बाद जब आप बाहर जाके सुनेंगे तो अदर स्पीकर्स में कैसा सुनाई दे रहा है या हेडफोन में कैसा सुनाई दे रहा है, मोबाइल पर कैसा सुनाई दे रहा है, ये सब लेकिन आपको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि आजकल के तारीख में मैक्सिमम लोग मोबाइल पर गाना ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि घर में बैठे स्टूडियो साउंड सिस्टम में गाना सुनने का मौका आज कहाँ मिलता है। तो मोबाइल पे बहुत अच्छा अच्छा डिवाइस आ गए हैं, मोबाइल पे हम लोग सब सुनते हैं, तो मोबाइल का हेडफोन में कैसे साउंड आ रहा है और छोटे मोटे स्पीकर्स में कैसे साउंड आ रहा है, बड़े स्पीकर्स में कैसे साउंड आ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए सुनते हैं जो ट्यून अभी किया है हमने, जो ट्यून अप किया है सबको, अभी ओवरऑल सुनने में कैसे लग रहा है, चलिए सुनते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो मेन जो ट्रैक था वोकल ट्रैक को लेकर टेंटेटिवली कुछ दिखा दिया मैंने आपको, आपको तो आइडिया मिल गया होगा किस तरह से काम करना है उसमें। और वोकल ट्रैक में देखिए हर जगह पे बास नंबर 1-2, बास नंबर 3-4 एंड बास नंबर 5-6, ये तीन बास हमने ऑक्सिलरी सेंड लिया है। किस लिए लिया है, क्योंकि ये तीनों बास के जरिए हम रिवर्ब, डिले एंड कंप्रेशर, इन तीनों को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको तो पहले ही बोल दिया था कि जब भी आपको किसी ट्रैक में किसी वोकल में रिवर्ब देना है तो इसका इंसर्ट पे मार्क डालिए, सेंड के जरिए आपको इफेक्ट देना पड़ेगा। तो सेंड के जरिए जब आप इफेक्ट दे रहे हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको ऑक्सिलरी ट्रैक चाहिए, ऑक्सिलरी ट्रैक आपको लेना पड़ेगा, इसीलिए ऑक्सिलरी ट्रैक लिया है रिवर्ब, दूसरा ऑक्सट्रैक लिया है डिले और तीसरा ऑक्सट्रैक लिया है कंप्रेसर के लिए। इसका जो इनपुट
जो हम लोग ने दिया है इनपुट ऑब्वियसली आपको देना पड़ेगा बास। ये देखिए यहाँ पे बास हमने दिया है 1-2 रिवर्ब के लिए, और जो डिले है इसके लिए दिया है बास 3-4, और जो कंप्रेसर लिया है कंप्रेसर के लिए दिया है इनपुट बास नंबर 5-6। तो ये सब लेके आप क्या कर सकते हैं, ये सब लेके आप कोई भी ट्रैक में इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जैसे वोकल में हमने दिया है, देखिए वोकल ट्रैक जो लीड वोकल था, लीड वोकल ये है, सुनते हैं। Take an apple, please, from the front row. तो चलिए सुनते हैं लीड वोकल में रिवर्ब कैसे दिया हमने, कितने अमाउंट तक रिवर्ब दिया। Who's gonna call ये बाईपास है अभी, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। जैसे ऑन किया, जैसे मैंने ऑन किया तो इतना सा इफेक्ट, ये जो मेन ट्रैक है इसमें से इतना सा इफेक्ट अमाउंट ऑफ दिस -11.3 dB अमाउंट ऑफ सिग्नल कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है ये जो रिवर्ब जो ऑक्सिलेट ट्रैक लिया है उसका इनपुट में घुस रहा है। किसका इनपुट में जब आ रहा है तो इसका सर पे बैठे हुए जो रिवर्ब हमने यहाँ पे लगा है यह है एच रिवर्ब। अब देख ही पा रहे हैं यहाँ पे एच रिवर्ब यहाँ पे है, इसका सेटिंग कुछ इस तरह से किए हमने ताकि इस वोकल के साथ जाए। ठीक है, इस तरह से हमने वोकल का कुछ डिले दिया है, रिवर्ब दिया है, और साथ में यहाँ है रेडेंसेस कंप्रेसर। ठीक है, ये कंप्रेसर लगाने के बाद आपको थोड़ा सा इफेक्ट लग रहा है, थोड़ा बहुत इफेक्ट इसमें अंदर आ रहा है, इसका अंदर आ रहा है, और आने के बाद वो प्रोसेस हो रहा है और यही सिग्नल आउट नंबर 1-2 होके मास्टर में आ रहा है। तो रेनेसेंस जो कंप्रेसर हमने यहाँ पे लगाए इसे हर एक चैनल के लिए है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कौन सा ट्रैक के लिए हमको कंप्रेसर देना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक ट्रैक में अगर हम कंप्रेसर सेंड करेंगे तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए। ठीक है, सुनने को थोड़ा सा ख़राब लगे, तो इसलिए ये 3 नंबर जो है कंप्रेसर, 2 नंबर डिले और 1 नंबर जो है ये है रिवर्ब के लिए। ऐसे ही कुछ इफ़ेक्ट हम सभी ट्रैकों में दिए हैं। आप जब ये सब इफ़ेक्ट जब आपको मिलेगा, जब आपको ये सेशन मिलेगा, ऑब्वियसली ये सेम सेटअप आपके पास मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उसमें, क्योंकि आप जब देख रहे हैं छोटा स्क्रीन में आप देख रहे हैं, लेकिन जब आपका सामने आ जाएगा ये तो बड़ा स्क्रीन में आप देख पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारा सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा, और चैनल मेंबर अगर आप है या सब्सक्राइबर है तो कोई बात नहीं है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद ही आप ईमेल दे सकते हैं, एक रिक्वेस्ट ईमेल दे सकते हैं कि आपको ये सेशन भेज दिया जाए, तो हम आपको भेज देंगे। आप डीटो जो जैसा सेटिंग यहाँ पे है सेम सेटिंग आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे गौर से देख लीजिएगा कि सेटिंग हमने किस तरह से रखा है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा अल्टर कर सकते हैं, अपनी पसंदीदा कुछ प्लगइन लगा सकते हैं। लगाने के बाद जो प्रोडक्शन आपको मिलेगा, अगर आपको दिल चाहता है तो हमारे पास आप भेज सकते हैं, हम सुन के देखेंगे कितना अच्छा हुआ वो। तो चलिए अभी पूरा गाना, इसका जो इफ़ेक्ट है पूरा गाना सुनते हैं। एक चीज़ देखिए यहाँ पे तो सब जो एक सेशन में एक साउंड आ रहा है, ये साउंड ज़्यादा आ रहा है सिंथ का, देखिए, तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं,
दो तीन दिन भी काम करते हैं, इतना ठीक रहेगा। चलिए अभी बाकी सुनते हैं इसके बाद। लगभग ठीक ही लग रहा है। अभी देखते हैं कुछ ऑटोमेशन यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों ने, तो ऑटोमेशन के लिए हम लोगों ने एक बिल्कुल एंड में गया है और एक जगह पे है, यहाँ पे ऑटोमेशन लगाया हमने, देख रहे हैं आप। तो ऐसा कुछ ऑटोमेशन आपको भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। ऑटोमेशन आप क्रिएट करोगे तो अच्छा लगेगा सुनने को। जब आपको ये सेशन मिल जाएगा तब आप, लेकिन आपको ये दिखाई देगा सामने कि ऑटोमेशन कैसा किया है हमने। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नया कुछ एपिसोड लेके नेक्स्ट वीक पे। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी लोगों से हमारा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, समाधान की तरफ से उन लोगों का कोई कमेंट्स का आंसर दिया नहीं जाएगा। हम लोग जानते हैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग के बारे में बहुत कुछ पूछताछ करना है, बहुत कुछ जानना है, किसी के पास कुछ तरीके हैं तो वो शेयर करना चाहते हैं, तो ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए करते हैं। तो जब तक आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा समत ऑडियो से कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमको बहुत सारे आप लोगों का प्यार मिलता है, रेगुलर्स आप लोगों का कमेंट्स मिलते हैं, आप लोगों का कमेंट से हम लोग इंस्पायर होते हैं। तो फिर भी हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देन आप लोग कमेंट्स कीजिए ताकि आपका कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाए। और कोई भी प्रॉब्लम हो रिकॉर्डिंग के बारे में तो हमसे बताएं, हम कोशिश करेंगे आपका जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का। लेकिन उससे पहले आपको ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल, जितना हो सके आप हमारा वीडियोज़ को शेयर करते रहिए ताकि आगे के लिए और कोई अच्छा वीडियो बनाने के लिए हम लोगों को इंस्पिरेशन मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगला वीक में, नमस्कार। Hot, hot, hot. Looking up, open the park.